गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आई वांट टू शो यू ऑल फ्यू पेयर ऑफ जीन्स आई गॉट फ्रॉम अमेज़न एंड एवरीथिंग इज अंडर ₹1000 सिर्फ एक आइटम छोड़कर एंड ट्रस्ट मी इट्स टोटली वर्थ इट। आई एम सो एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस वीडियो क्योंकि दो तीन टाइप के जीन्स मैंने इसमें ट्राई की है। बूटकट जीन्स, वाइड लेग जीन्स, रिप जीन्स, स्किनी जीन्स, आई थिंक आई कवर्ड इट ऑल। तो अगर आप कोई अच्छी सी अफोर्डेबल प्राइस में जीन्स ढूंढ रहे हो ना तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रह सकता है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आया। लेट्स स्टार्ट विद माय फेवरेट जींस यू गाइस, इट्स बूटकट जींस। पहले मेरा फेवरेट स्किनी जींस रहा करता था बट अभी चेंज हो गया, नाउ आई लव बूटकट जींस। आई गॉट दिस बूटकट जींस फ्रॉम द ब्रांड सिसनी फॉर ₹976। ये जींस जैसा पिक्चर में दिख रहा है ना बिल्कुल वैसा ही है। मीडियम वॉश कलर एंड आई लव दिस शेड। ये मेरा फेवरेट शेड है क्योंकि मीडियम वॉश के साथ ना आप ज्यादा से ज्यादा कलर्स के टॉप्स पहन सकते हो, जबकि लाइट वॉश और डार्क वॉश के साथ ना थोड़ा सोचना पड़ता है। बूटकट जींस वेस्ट से लेकर काफ तक के टाइट रहते हैं और उसके नीचे जाके ना उसका थोड़ा सा फ्लेयर आता है नीचे। एंड यू गाइस, ये जींस इट्स सुपर हाई वेस्टेड। इस पर ये रिब्ड पैटर्न है पर ये बहुत फटा हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ ना नीज पर है ये थोड़ा सा ज्यादा रिब्ड, इसमें से थोड़ा सा स्किन दिखेगा। इफ यू लाइक टू वियर मॉडेस्ट क्लोथ या फिर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, रिब्ड जींस नहीं पसंद, तो आई थिंक यू कैन वियर दिस। इस प्राइस पॉइंट में ये क्वालिटी वाइज फैब्रिक मटेरियल बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइट वेट फैब्रिक ना, स्ट्रेचेबल भी है, तो अगर आप नीचे भी बैठ रहे हो ना तो यू विल बी कंफर्टेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिट। इन जींस का फिट ना मेरे लिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा टाइट है। मुझे साइज 30 परफेक्ट फिट हो जाता ना। मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी कि गेट अ बिगर साइज फॉर मोर रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल फिट। जीन्स की लेंथ की अगर बात करें ना तो मेरे लिए 5.4 मेरा हाइट है, मुझे लेंथ करेक्ट लगा। आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट द फिटिंग या फिर इसका लेंथ वेंथ, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। अगर आप कोई बूटकट जींस देख रहे हो ना अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। मुझे नहीं लगता कि यू विल बी डिसअपॉइंटेड। तो ये नेक्स्ट जींस है फ्रॉम दिस ब्रांड AKA Chic। इस ब्रांड से ना मैंने 3 जीन्स बुलाई है। इस जीन्स के बारे में ना मैं 100% श्योर नहीं हूँ और फिटिंग की वजह से। इनका प्राइस है ₹986 और इसमें मैंने साइज 30 बुलाया, शायद उसी वजह से फिटिंग में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। दीज आर स्ट्रेट कट जीन्स क्योंकि नीचे जाकर एंकल्स में ये फिटेड भी नहीं है और फ्लैट भी नहीं है, इट्स लाइक स्ट्रेट हाई वेस्टेड है। अब इस जीन्स के फिटिंग की बात करते हैं तो इसमें मैंने साइज 30 बुलाया क्योंकि अमेज़न मुझे बार बार 32 रेकमेंड कर रहा था, साइज 32। आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि साइज वाइज थोड़ा कम ज्यादा लेना पड़े, तो मैंने इसलिए कुछ जींस ना साइज 30 में और कुछ साइज 28 में बुलाए। शायद वहीं पे मैंने गलती कर दी, इसे मैंने साइज 28 में ही बुलाना था। पहनने के बाद ना ये जींस वेस्ट लाइन में मुझे लूज हो रहा है ना, हाइज में ये ठीक है, फिर नीचे जाकर एंकल्स में भी ये थोड़ा सा मुझे लूज लग रहा है, तो साइज 28 में ये परफेक्ट फिट हो जाता। एक छोटी सी चीज है जो इसमें मुझे थोड़ी सी नहीं पसंद है कि इसका लेंथ ना मुझे छोटा लगा यार, मुझे एंकल्स तक ही ये दिख रहा है। इसका साइज चार्ट अगर मैं देखती हूँ तो इसमें कोई लेंथ वेंथ नहीं दिखाया है कि अगर आप साइज थोड़ा ज्यादा लेते हो या फिर कम लेते हो तो लेंथ कम छोटा हो जाएगा। यूजुअली ऐसे ही होता है कि इफ यू गेट अ बिगर साइज और अ स्मॉलर साइज, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ड्रेस या फिर जीन्स की लेंथ लंबी होती जाती है, साइज छोटा होने के बाद लेंथ कम होती जाती है, बट इस जीन्स का मुझे नहीं पता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जीन्स, सेम ब्रांड से है, AKA Chic। और यू गाइस, ये जीन्स मेरा, आई कैन से कि ये जीन्स मेरा सेकंड फेवरेट इस वीडियो में, फर्स्ट फेवरेट मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। इनका प्राइस है ₹940 और इनमें मैंने करेक्ट साइज ऑर्डर किया था, साइज 28। ये जीन्स इज सुपर, इस जीन्स का फिटिंग इज ओ माय गॉड, आई freaking love the fit is jeans का। तो दिस इज लाइट वॉश कलर, इसमें और एक कलर है अवेलेबल, आई थिंक इट्स चारकोल और ग्रे चारकोल कलर है। कलर पिक्चर में जैसा है बिल्कुल वैसा ही है, द पिक्चर इज नॉट मिसलीडिंग एंड रिब्ड पैटर्न है पर ना ये सी थ्रू नहीं है, इट विल फुल्ली कवर यू। तो लुक वाइज आई गिव इट 9 out of 10 एंड वाई 9, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, क्योंकि दिस इज लाइट वॉश, तो लाइट वॉश के साथ सच में कौन से कलर का टॉप पहने वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो दैट इज द ओनली रीजन, बाकी जीन्स में कोई भी खराबी नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द जीन्स का फिट, इट फिट्स कंफर्टेबली, आई फ्रिकिंग लव इट, सुपर हाई वेस्टेड है, लाइट वेट फैब्रिक है, क्वालिटी वाइज दिस मटीरियल, दिस फैब्रिक फील्स वेरी नाइस। ये भी स्ट्रेचेबल है तो कंफर्टेबल रहेगा, पहनने के बाद आराम से नीचे उठ बैठ पाओगे। लेंथ भी एकदम परफेक्ट है, लेंथ भी छोटा नहीं है, मतलब फिटिंग में आई गिव इट 10 out of 10। तो उनका साइज चार्ट आप फॉलो कर सकते हो, मैंने चेक नहीं किया बट आई थिंक वो करेक्ट है। जस्ट ऑर्डर योर यूजुअल साइज, अगर वेस्ट लाइन 28 है तो गेट 28, सॉरी
इंजिन्स के बारे में मैं थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ. आई थिंक यू शुड एब्सोल्युटली गिव इट अ ट्राई. सेम ब्रांड से एक और जीन्स है और इनमें ना मैंने साइज 30 बुलाया. यस, सेम मिस्टेक कर दी मैंने फिर से. इसे देखकर तो यही लग रहा है कि मुझे साइज 28 ही लेना था. साइज में मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ट्राई टू गेट योर यूजुअल साइज. ये थोड़े डिफरेंट जीन्स है, इट्स टेपर्ड जीन्स. ये ना एंकल्स में ऐसे रहेंगे, देयर इज इलास्टिक एंकल्स में. लुक वाइज दीज आर वेरी स्टाइलिश. कार्गो पॉकेट्स वगैरह इनमें तो लुक वाइज भी आई गिव इट 10 out of 10. कार्गोस फिलहाल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है एंड दिस स्टाइल इज अ बिट डिफरेंट फॉर मी एंड आई रियली लाइक इट. वेस्ट लाइन में ना देयर इज दिस टाई अप बेल्ट, इट हाईलाइट्स द वेस्ट लाइन. बेल्ट अटैच नहीं है तो आप इसे निकाल भी सकते हो. इन जींस ने भी मुझे बहुत इंप्रेस किया, स्पेशली क्वालिटी वाइज. ऑनेस्टली मुझे लग रहा था ना कि पिक्चर में देखने के बाद ना ऐसा लग रहा था कि जेगिंग्स नहीं रहते क्या, वैसे रहेगा. बट आई डोंट थिंक यू विल बी डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस मटेरियल क्वालिटी. थिक फैब्रिक, यू नो डेनिम के साथ थिक डेनिम फैब्रिक रहता है. इट इज जस्ट लाइक दैट, इट्स ब्रीदेबल. हाँ, इट इज कंफर्टेबल. तो इट्स अ बिग थम्स अप फॉर दिस जींस यू गाइस. तो ये जो नेक्स्ट जींस है इन्हें पहनते पहनते मेरी आधी जान निकल गई थी. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मिस चेस फॉर 858 rupees, साइज 28. इनको मैं अमेजोन पर काफी टाइम से देख रही हूँ, उन पर रिव्यूज भी बहुत सारे हैं ना. 4.5 समथिंग रेटिंग है इन पर. तो मेरे एक्सपेक्टेशंस थोड़े हाई थे, पर इन्हें जब मैंने रिसीव किया और मैंने पहनने का ट्राई कर रही थी, ये ना एंकल से ऊपर ही नहीं जा रहे थे यार. जितना मैं ट्राई कर पा रही थी उतना मैंने ट्राई करके देखा, ये ऊपर जा ही नहीं रहे थे. मुझे लगा फालतू में खराब हो जाएगा ट्राई करने के चक्कर में, तो मैंने फिर इन्हें रख दिया साइड में. ये जो पार्ट है ये बहुत छोटा है. मैंने ना इनके कॉमेंट्स पढ़े, इस जीन्स के रिव्यूज पढ़े, नॉट कॉमेंट्स. और उनमें काफी लोग बोल रहे थे सेम चीज कि एंकल्स में ये टाइट है, एंकल के ऊपर नहीं जा रहे थे. पर हर एक रिव्यू में ये मेंशन नहीं था, काफी सारे रिव्यूज पॉजिटिव थे. फिटिंग विटिंग उनको बहुत सही हो रहा था. तो हो सकता है कि कुछ बॉडी टाइप्स पर ये एंकल वाला प्रॉब्लम नहीं आता होगा, आई डोंट नो. पर मुझ पर तो ये नहीं जा रहा है. सरप्राइजिंग थिंग ना, इन जीन्स में वो एंकल वाला, सिर्फ वो छोटा एंकल वाला चीज छोड़ के बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है. मटेरियल बहुत अच्छा मुझे लगा. इट्स ब्रीदेबल फैब्रिक और काफी स्ट्रेचेबल मटेरियल है. आई डोंट नो गाइज, हो सकता है कि आपको फिट अच्छे से हो जाए या फिर हो सकता है यू फेस द सेम प्रॉब्लम. मैंने बोला था ना एक आइटम इज थोड़ा सा 1000 के ऊपर, तो दीज आर द जीन्स. मैं नहीं रोक पाई खुद को ना, आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज दिस जीन्स एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस टू. ये ना वाइड लेग रिप जीन्स है. इनका प्राइस है 1249 rupees. इन जीन्स को पिक्चर में देखने के बाद ना मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी. मैं सच में क्यूरियस थी कि ये रियालिटी में कैसा लगेगा, क्योंकि इस पर सिर्फ 2 reviews थे और वो भी कम है. इट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग जैसा पिक्चर में था. आई लव द कलर, इट्स मीडियम एंड लाइट वॉश के बीच में. इसे ना ये साइड में ये रिप्ड है, बॉटम में इट इज फ्लेड और यहाँ पर देर इज दिस फ्रिंज काइंड ऑफ अ थिंग. देर इज वन थिंग विच आई रियली लाइक. से सामने से या फिर कहीं पर भी ये जो फैब्रिक है ना ये स्ट्रेचेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है स्ट्रेचेबल. बट पीछे वेस्ट लाइन में ना देर इज दिस इलास्टिक लाइक दिस. अगर फैब्रिक स्ट्रेचेबल नहीं रहा तो नीचे बैठने के बाद बहुत टाइट हो जाता है, तो वो इनमें नहीं होगा क्योंकि पीछे इट इज स्ट्रेचेबल ना, तो कंफर्टेबल रहेगा. अगर थोड़ा बहुत टमी फैट वगैरह भी है ना तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कंफर्टेबल रहोगे. फिटिंग की बात करते हैं, इसमें मैंने साइज 28 मैंने बुलाया एंड यू कैन सी आई लव लव द फिटिंग जीन्स का. लेंथ भी परफेक्ट है फॉर वाइड लेग जीन्स, ज्यादा लंबा भी नहीं है और शॉर्ट भी नहीं है. इन जीन्स को ऑर्डर करते हुए आप अपना यूजुअल साइज ऑर्डर करो. 28 है तो 28 जस्ट गेट द राइट साइज एंड यू विल बी फाइन. लुक वाइज 10 out of 10 और फिटिंग में भी 10 out of 10. दैट इज ऑल फॉर टुडे यू गाइस. दैट वाज आवर लास्ट आइटम इन दिस हॉल वीडियो. जीन्स एक ऐसी चीज है जो हम सभी को पसंद है, हम सभी को हर रोज पहनना है. तो आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा. अगर सच में यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड यू लाइक इट नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड गिव दिस वीडियो थम्स अप. इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. यू कैन बाय all of these products from Amazon. Thank you so much for watching you guys. I will see you guys very soon in the next video. Bye.